अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। ग्रेट मूवी, इन्फॉर्मेटिव एंड शुड बी मेड टैक्स फ्री एंड मस्ट वॉच फॉर ऑल द पीपल इन रूरल एरियाज। काफ़ी अच्छी फिल्म है, एक सोशल इनिशिएटिव है, एक सोशल मैसेज है फिल्म में, और इस तरह की फिल्म आगे भी बननी चाहिए। अक्षय का एक्टिंग काफी कमाल का है, काफी रियलिस्टिक है फिल्म। बैडमैन बहुत अच्छी मूवी है और पूरे देश को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है आफ्टर क्या नाम है अपना, जो उससे पहले इन्होंने टॉयलेट के ऊपर बनाई थी, उसके बाद अक्षय कुमार ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है। इट्स एक्चुअली समथिंग दैट शुड हैव बीन मेड अर्लियर, बट इट्स बेटर लाइक दे मेड इट राइट नाउ एंड मेड अवेयरनेस दैट एक्चुअली एग्जिस्ट इन सोसाइटी इन द रूरल प्लेसेस एक्चुअली। सो आई एम प्रीटी मच हैप्पी अबाउट इट दैट दे हैव कम अप एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट अक्षय कुमार इज स्टैंडिंग अप फॉर इट अलॉन्ग विद हिज आई मीन वाइफ ट्विंकल खन्ना। And pretty proud of it that he has come up and started with the issue or something, awareness at least. And there is a challenge, as I believe, for other, his challenge other actors and actresses who standing up with the pair. And I'm very pretty happy about that they have come up something new. बहुत अच्छी सर, हम इसे जो है 5 स्टार देना चाहेंगे। बहुत अच्छी मूवी है और हम चाहते हैं कि ऐसी मूवी बनती रहे, और जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जो है काफ़ी लोगों में यह हीन भावना घर कर गई है कि जो है अपनी कुछ प्राइवेट बातें होती हैं उनको लेकर जो है लोग जो है अपने अंदर ही अलग समझ रखते हैं और जाहिर नहीं कर पाते। अमुक जगह अगर मेडिकल वगैरह स्टोर पर जाते हैं तो वहाँ कुछ ले नहीं पाते सामान वगैरह जो उन्हें चाहिए होता है। तो इस मूवी में जो है अक्षय कुमार ने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत कुछ हमें जो है सीखने को भी मिल रहा है, और हम चाहेंगे कि जो है ऐसी मूवी बार बार आती रहे और अक्षय कुमार ऐसे ही जो है करते रहे। क्या चलेगा, मैसेज दिया है कि पैड उछलना चाहिए लड़कियों को, ये सब। अक्षय कुमार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। देखिए, एक रोमांटिक फिल्म नहीं है, अब फिल्म है तो एंटरटेनमेंट माध्यम से रोमांस तो क्रिएट करना पड़ता है, लेकिन फिल्म का जो मेन जो मकसद है कि जो सैनिटरी नैपकिन होते हैं जो कि काफ़ी महंगे होते हैं मार्केट में, और जो हमारा जो पॉपुलेशन है 70% आपको पता है कि पुअर है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता, तो किस तरह से एक रिवॉल्यूशन लाया था एक सोशल इनोवेटर ने, और जो रोल प्ले किया है काफ़ी, उस रोल को जस्टिस दिया अक्षय कुमार ने। लड़कियाँ मतलब बनाते हैं मशीन वशीन के ऊपर से दिखाया वो सब वजह से। दैट इट इज़ इन्फॉर्मेटिव, इट मेक्स अ पॉइंट फॉर द रूरल वुमेन विच एक्चुअली सफर अ लॉट। व्हेन ही सेज, व्हेन ही वाज कॉल्ड बाय यूनाइटेड नेशन, व्हेन ही सेज इफ वुमेन स्ट्रांग, सिस्टर स्ट्रांग, मदर स्ट्रांग, इंडिया स्ट्रांग, दैट वाज माय फेवरेट एक्चुअली डायलॉग दैट इज पास्ड बाय हिम। सोनम कपूर और जो राधिका, आपके तीनों की केमिस्ट्री कैसी लगी? अच्छी थी, लोग हैं एक दूसरे की हेल्प करते हुए, लोगों ने ये सब हेल्प किए बताया है। दोनों की केमिस्ट्री, राधिका आपटे सबकी जो थी आपस में बहुत अच्छी थी। फिल्म वाकई में बहुत अच्छी थी, लोगों को देखने चाहिए, और जो समाज में जो बुराइयां हैं, जो खामियां हैं, उसको किसी न किसी माध्यम से जो निकलता है वो इसी माध्यम से निकलता रहना चाहिए। अब अक्षय कुमार को लोग इसलिए पसंद करते क्योंकि समाज में कुछ नया लेके आते हैं, और ये उन पर फिट है, पब्लिकली देखना चाहिए। और भी मैं तो यही करूँगा, फिल्म इंडस्ट्री से यही कहूँगा कि ऐसे ऐसे फिल्में और बनाएं ताकि समाज और ज़्यादा डेवलप करें। सोनल कपूर, अक्षय कुमार, बेटर केमिस्ट्री? इट्स गुड एक्चुअली, द केमिस्ट्री आई फाउंड वेरी गुड एक्चुअली। तीनों ने अपना किरदार बड़े जिम्मेदारी के साथ निभाया, और अक्षय कुमार जैसा अगर स्टार साथ में है तो सोनम कपूर और राधिका आप्टे ने अपने आप में अलग ही अंदाज में है। बहुत अच्छी लगी जो है राधिका आप्टे ने, बहुत ही सुंदर गांव की जो है लड़की का जो है किरदार जो है निभाया है, बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। ऐसा लगता है उन्होंने अपना बेस्ट दिया है इस मूवी में। सोनम कपूर की जी बहुत अच्छा, उन्होंने मॉडर्न लड़की का बहुत अच्छा किरदार निभाया है, उन्होंने भी अपना बेस्ट दिया है, बहुत अच्छा लगा देखकर। हम जो है अपनी तरफ से सारे जो है इस किरदारों को कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छा जो है, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने प्ले किया अपना अपना किरदार। सिंप्लिसिटी है काफ़ी, जो भी केमिस्ट्री है उन तीनों के बीच, लगता है कि हाँ जो कैरेक्टर प्ले किया है वो कैरेक्टर काफ़ी रियल है, और तीनों ने अपना काम बखूबी किया है। हाउ द डायरेक्शन बाय आर वाल्की? इट वाज अमेजिंग, आई एम टेलिंग यू, रियली इट वाज रियली गुड, एंड इट डिड डिपिक्टेड, यू नो ही डिड फोकस ऑन द मेन इश्यूज दैट इज रियली डज एग्जिस्ट इन टुडेस, आई मीन बीन हैव बीन एग्जिस्टिंग सिंस पास्ट फ्यू इयर्स नाउ। बहुत ही बारीकियां उन्होंने फिल्म के अंदर देखी हैं, और अपने आप से जुड़े हुए काफ़ी मुद्दे उन्होंने उस चीज़ के अंदर उठाए, और फ्रेमिंग की अगर जहाँ तक बात करूँ तो वो ज़बरदस्त है। देखिए, आर बाल के हमेशा बहुत ही अलग हंट के फिल्म बनाते हैं, उनकी सोच अलग है, वो एंटरटेनमेंट को कम और मैसेज को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो इसमें भी वही है, और कॉमर्शियली उनको कोई ज़्यादा बेनिफिट अगर हो ना हो, लेकिन वो अपना मैसेज पब्लिक को देते हैं। आपको लगता है कि समाज के लिए सोशल मैसेज है क्या? बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है, जो आज तक 6,05,000 जो गाँव हैं देश के, उनमें से आज भी 3,27,000 गाँवों में इस तरह की बाहर जाने और लड़कियों को वो थोड़ा सा वो रीज़न होता है पत्तों का और ये सब चीज़ों का, कपड़ों का,
तो वो चीज़ों का शायद उन्हें मिलेगा इस चीज़ का इजाफा। पाँच में से कितना स्टार देंगे? पाँच में से चार स्टार। तीन, चार, फोर एंड हाफ, फाइव। पाँच में से पूरे पाँच दूंगा, बल्कि उससे प्लस हो तो मैं भी उससे प्लस भी दूंगा। पाँच में से सर हम उन्हें छः स्टार देना चाहेंगे। Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates.